Last one, देखो most of the students facing problem in writing task one. Why? क्योंकि इसमें जो है पूरा का पूरा graph होता है, ठीक है. अब जब 9th 10th में भी हम graph करते होते थे ना, तो जब नीचे questions आते होते थे तो उसमें तो simple होता होता था कि how many students are there और how many teachers are over there. But लेकिन अब जो हमारे graphs होते हैं ना, वो थोड़े से complicated होते हैं. And the basic step of attempting writing task one, it's introduction. And when we have to attempt introduction, we have to give full concentrate on what is the main motto of writing task one. Is it a diagram? Is it a process? Is it a chart? Or is it a bar graph, line graph? और हमें उसी के अकॉर्डिंग हमेशा राइटिंग टास्क वन को देखना होता है. एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ खुद से ड्रॉ किया है, ठीक है. इट इज अ वेरी सिंपल ग्राफ. और इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, वी हैव मेंशन हेयर नंबर ऑफ मंथ्स टिल जैन फेब मार्च अप्रैल एंड नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड टू 120. ओके, वी हैव फोर कंट्रीज ओवर हेयर, दैट इज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड इंडिया. नाउ लुक कि अब इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हम किस वे में करेंगे स्टार्ट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से लिखनी है, बट ये है ग्राफ किस अकॉर्डिंग. इस ग्राफ में हमें बताना है कि इन फोर कंट्रीज में कितने टूरिस्ट आए हैं, कौन कौन से मंथ में, और कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट ने विजिट किया है, कितने क्वांटिटी में. लाइक सपोज दैट या फर्स्टली द मंथ ऑफ जैन, इसमें जो अमेरिका में आए हैं टूरिस्ट, इट्स जस्ट लिटिल बिलो फ्रॉम 60. एंड जो आपका टूरिस्ट के नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो है थाउजेंड्स में, ठीक है. सो दैट मींस कि अप्रोक्सीमेटली 58,000 टूरिस्ट विजिटेड विच कंट्री, विजिटेड अमेरिका. कौन से मंथ में? जैन के मंथ में. आफ्टर दैट विच कंट्रीज इट? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कितना विजिट किया है? More than 60,000. And what it is? It is nearly about 65, 67 approximately or near about. After that, Canada. Canada mein pura kitna hai? 80,000. And then India. India mein kitna hai? Below 40 and it is near about 39 or 38 something. ठीक है, जब हम राइटिंग टास्क वन लिखेंगे, अब मेरे को ये बताओ कि हम एक एक पॉइंट को, जैसे सपोज दैट मैंने फर्स्टली इंट्रोडक्शन लिखी, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या मैं सीधा स्टार्ट कर दूंगी लिखने के लिए कि पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर उतना हो गया. क्या इस तरीके से बनेगा कुछ हमारा सिस्टम? नहीं बनेगा ना. क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही हम स्टार्ट कर देंगे लिखना कि 40,000, 50,000, 60,000, जो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, ये लैंग्वेज गलत है. जैसे आप लोग लिखते हो टूरिस्ट विजिटेड इंडिया इज वेरी लो, टूरिस्ट गो देयर वेरी हाई, ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी हाई. सेंटेंस फॉर्मेशन गलत होती है ये बिल्कुल. अब आपने इंट्रोडक्शन अगर लिखनी है, सपोज दैट इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द बायोग्राफ. ये है क्या? द बायोग्राफ. तो बायोग्राफ लिखने के बाद जब हमने आगे लिखना है, बायोग्राफ वन है, टू है, वन है, तो बायोग्राफ, उसके बाद अब इलस्ट्रेट्स लिखते हैं, डिपिक्ट्स लिखते हैं हम, और शोज लिखते हैं. बट लेकिन थोड़े वोकैबुलरी ऐड करने के लिए हमें स्टार्टिंग में वोकैबुलरी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. तो हम और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे एनुमरेट्स और डेमोंस्ट्रेट्स, ठीक है. इस तरीके के वर्ड्स यूज करोगे सो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज इन योर वोकैबुलरी. ओके, द पैराग्राफ एनुमरेट्स, इलस्ट्रेट्स, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. एंड नाउ फर्दर, अब आप मेरे को बताओ पैराग्राफ एक है, दो है, वन है. अब यहाँ पे हमने एस क्यों लगाया है? क्योंकि वी आर हैविंग वन पैराग्राफ. इफ वी विल हैव टू पैराग्राफ, सो वी हैव टू राइट जस्ट नॉर्मल एनुमरेट और डेमोंस्ट्रेट. ओके, सो जस्ट बी कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग कि अगर आपने इस चीज को मिस कर दिया तो ये आपकी ग्रामर में
हमें इफेक्ट करेगा. क्लियर? ओके, अब हमें वी हैव गिवन विद नंबर ऑफ टूरिस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ कंट्रीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट. We have three things mentioned in our paragraph. So while writing our introduction, we have to full concentrate on what we are introduce, which we are going to introduce about our sample. Sample, what we have given with. So अब मेरे को बताओ कि the paragraph enumerates or the paragraph demonstrates. आगे क्या आ सकता है? अब जैसे कि उन्होंने हमें तीन चीजों के बारे में बताया गया है, तो अब हमने तीनों चीजों को वी हैव टू इंक्लूड इन आवर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ वी व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन बीपी वन एंड बीपी टू. ओके, ऑल यू ऑल नो अबाउट इट. ओके, सो जो इंट्रोडक्शन है, अब हमने उसको राइट करने से पहले द बायोग्राफ इनुमरेट्स अबाउट. अब बायोग्राफ इनुमरेट क्या कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है, पहले उसके बारे में बताएंगे. द बायोग्राफ इनुमरेट्स अबाउट. अब हमने क्या बताना है, हमने नंबर ऑफ टूरिस्ट बताने हैं जिन्होंने विजिट किया है अलग अलग कंट्रीज को. राइट, यही है हमारा बायोग्राफ. सो बायोग्राफ इनुमरेट्स अबाउट अबाउट द नंबर ऑफ टूरिस्ट, अबाउट द नंबर ऑफ टूरिस्ट. Yes, अब this is your mistake. Number of tourists in different countries बता रखे हैं. अब आप लोग देखो, paragraph enumerate कर रहा है about of number of tourists different country में. क्या हमने यहाँ पे ये बताना है tourists क्या country में होते हैं या tourists वो होते हैं जो country को visit करते हैं, जो visit करते हैं ना. तो इन दोनों चीजों को आप थोड़ा सा समझो. अब आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं आपके पैराग्राफ के ऊपर कॉपीज पे या पेजेस पे, वहां पे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मंथ्स. अब लेट्स सपोज इन अमेरिका जो टूरिस्ट है उन्होंने विजिट किया है जैन में अमेरिका में बिलो 60,000. तो मैंने ये थोड़ा कह रहा कि टूरिस्ट अमेरिका में थे, उन्होंने वो जगह विजिट की थी. टूरिस्ट होते ही वो हैं जिन्होंने विजिट किया हो. हम ये थोड़ा कह सकते हैं वहां पे थे या वहां में थे. में तो वैसे ही नहीं आया ना, पे ही आएगा. तो सबसे पहली बात, द पैराग्राफ एनुमरेट्स अबाउट द नंबर ऑफ टूरिस्ट, आगे अब विजिट. अब विजिट क्यों आएगा, अब यहाँ पे हमने हु आएगा या डायरेक्टली विजिट लिख देंगे. यस, हु. अच्छा, अब हु आगे विजिट, हु विजिट डिफरेंट कंट्रीज, हु विजिट डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया. आपने ये कर लिया. आगे अपनी डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिख दो, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया. आपकी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन शुड बी स्मॉल, थोड़ी छोटी होनी चाहिए और इतना होना चाहिए कि हाँ उसमें आप हर चीज को कवर कर रहे हो जो आपको पैराग्राफ में दे रखा है, और आप अगले बीपी वन और बीपी टू में उस चीज को जाके कवर करोगे. इंट्रोडक्शन में हर उस चीज को ऐड करना है आपने. क्लियर? अच्छा, अब आप सब अपना अपना राइट करो और मुझे लिख के दिखाओ कि इंट्रोडक्शन कैसी होगी.